सात नीचे ढलाई में यहाँ पर चल रहा है। बिहार सरकार नीतीश कुमार की योजना सभी जगह फेल दिखाई दे रही है। सात निश्चय योजना के अंतर्गत निर्माण कराया जा रहा है ग्रामीण सड़कें जो एक सराहनीय कार्य है, ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा कीचड़ में संलिप्त सड़कों में जीवन यापन किया करते थे, लेकिन यह योजना उन लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा विभिन्न जगहों पर इसका विरोध भी देखा जा रहा है और इस योजना की जाँच होनी चाहिए। ये घटना कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के हर नागर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की है, जहां पर शांति हेम्ब्रम की अध्यक्षता में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि संवैधानिक तरीके से कार्यों को पूर्ण किया जाए, जो नहीं हो रहा है। इसे मैं उन लोगों का कहना है कि ढलाई 7 इंच मोटाई की होनी चाहिए, लेकिन 2 से 2.5 इंच की ढलाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हम हमेशा से कीचड़युक्त सड़कों पर चलते आ रहे हैं और यहाँ के मुखिया शिव नारायण और उनका बेटा का दबंगगिरी सामने आया है। कहते हैं तुम लोग को जो करना है कर लो, हम किसी से डरते नहीं। मुखिया के द्वारा ग्रामीण सड़क ढलाई रातों में भी किया जा रहा है, जबकि यह सरकारी कार्य रातों में गैर कानूनी है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए कटिहार से सुंदर कुमार की रिपोर्ट। ये सात नीचे ढलाई में यहाँ पर चल रहा है। सात नीचे ढलाई में मुखिया शिव नारायण से 2 इंची डाल रहा है, इसी का विरोध चल रहा है, पब्लिक में आक्रोश है। चार से अभी 6:30 हो गया, नहीं अभी 6:30 हो गया, 6:30 हो गया। वहाँ वहाँ कई इंची डाला है, वहाँ वहाँ 2.5 इंची डाला है, 2.5 इंची वहाँ पर। 3 इंच हम कल टेप लेके वहाँ नापे थे, 3 इंची वो डाला है, 3 इंची ढाई बोलने वाला क्या है, 1 इंची क्यों नहीं डाला करे, करने दो इसे ढलाई, करने दो 1 इंची, बोले क्यों ना करे 1 इंच। अरे रुक रहा है, कल